हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वाला से, और यहां पर सामने जो आप फ़ोन देख रहे हैं यह है वन प्लस कॉन्सेप्ट वन। जी हां, वन प्लस का जो है छुपा हुआ या बोला जाए इनविजिबल कैमरा वाला फ़ोन आप देख सकते हो। यहां पर आपको कैमरा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कैमरा नहीं है। आप देखोगे तो यार हल्के से ना आपको एक तीन वो जो अंदर जो राउंड है ना कैमरा, वो आपको थोड़ा दिख रहा होगा। तो ये क्लियर कैसे होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, कैमरा इसकी यूएसपी और डिज़ाइन इसकी यूएसपी बाकी सेम वन प्लस 70 प्रो जैसा ही है। तो स्पेक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीरीज स्टार्ट करते हैं इस फ़ोन की यूएसपी से, वो है इसका कैमरा। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैमरा को ऐसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लेंस हैं वो आपको तीनों दिखने लग गए, और जैसे ही आप इसे यहाँ से मैं इसे लॉक करता हूँ तो ये देखिए वो एकदम से गायब हो गए, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर लेंस है और ये चला गया, तो ये वापस आ गया और ये चला गया। तो मतलब आई मीन इसको एज ए स्ट्रेस बस्टर यूज़ नहीं करना है। फ़ोन इंडिया में कब आएगा कैसा आएगा इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यार ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर है यू नो इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास, यहाँ पर आपको एक लेयर मिलेगी जिससे ये इस तरीके से आपको यू नो पहले इनविजिबल हो जाता है और फिर वापस से आ जाता है। तो कंपनी का ऐसा कहना है कि 0.7 सेकंड्स में जो इसका इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास है ये हट जाता है और जो कैमरा सेंसर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। एंड ऑल्सो जो ग्लास है और कैमरा सेंसर्स के बीच की जो यू नो ग्लास की जो थिकनेस है वो है 0.35 mm। तो ये हो गया यार, अब ये किस तरीके से काम कर रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो रेजोल्यूशन वाइज है या फिर इसके जो बाकी के स्पेक्स हैं वो एकदम वन प्लस 70 प्रो जैसे ही हैं, तो वहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ, कैमरा क्वालिटी आपको सेम मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको इसके कैमरा यूआई के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। यार जैसे आप यहाँ पर जाओगे और ये प्रो मोड में जाओगे, मैं ऑलरेडी था वहाँ पर, यहाँ पर आपको एक नया मोड इंट्रोड्यूस किया है ND फिल्टर मोड, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इसे ऑन किया यहाँ पर आपके ब्लू सी टोन आ गई, तो ये केवल ये काम में नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी इसके कैमरा सैंपल लेके रखा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि होता क्या है, जब कभी कभी हम लोग अगेंस्ट लाइटिंग से पीछे या धूप में फोटो ले रहे हो, पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड सनलाइट है और हम लोग फोटो लेते हैं तो अक्सर ना हम डार्क आ जाते हैं। तो यार ये तो देखो, आप देखोगे तो यहाँ पर यू नो ये मतलब एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है ये वाला फोटो, लेकिन स्टिल आप देखोगे तो अभी यहाँ पर ना पीछे एकदम थोड़ा सा वॉश्ड आउट सा हो रहा है, लेकिन जब आप ND फिल्टर ऑन करोगे तो ऑफकोर्स और ज़्यादा ब्लूइश हो गया, लेकिन अगेंस्ट द लाइट लोगे तो सामने वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये इस ND मोड फिल्टर का यू नो यूज़ होता है। मैं आपको इसके कभी फ्यूचर में मुझे भी फ़ोन मिला तो आपको इसके और एग्जांपल्स में दूंगा। अभी सीधे वापस से जो कैमरा यूआई है एक बार वो देख लेते हैं। नॉर्मल जैसे वन प्लस 70 का था वैसे ही आप देख सकते हो कि जो फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइटस्केप मोड है, यहाँ पर आप जाओगे तो वीडियो मोड वगैरह सब मिल जाएगा, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, वन प्लस 70 प्रो जैसा है ये, तो यहाँ पर कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके डिज़ाइन के ऊपर, तो यार बहुत ही ज़्यादा पूरा ही चेंज है आप देखोगे तो यहाँ पर ये मेरे पास वन प्लस 70 प्रो भी है, आप देख सकते हो पूरा यू नो काफ़ी सारा चेंज है। तो यहाँ पर आपको मैं पहले एक बार यू नो बस ऐसे ही दिखा देता हूँ कि आप आगे पीछे से इसको देख लो, फिर मैं इसको वापस रख दूँगा और हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर इसे चेंज है डिस्प्ले में, ऑफकोर्स यार आगे आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा पीछे पूरा चेंज मिल रहा है। तो इसको मैं वापस रखता हूँ यहाँ पर और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यार देखो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मक्लारेन, इससे ये पूरा इंस्पायर्ड है, इसका जो OS है वो भी इससे इंस्पायर्ड है। कैसे मैं अभी आपको इसका UI भी दिखा दूंगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको यू नो लेदर का फील दे रहा है, आप देख सकते हो ये दिस इज़ लाइक प्रॉपर लेदर हाई क्वालिटी। और यहाँ पर जो इसके थ्रेड्स हैं ये भी ना काफ़ी सही लग रहे हैं, और आप इसको मतलब हम जैसे मैं हाथ लगा तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई, ऐसा नहीं है कि ये एकदम इसके ऊपर है, आप इसे हाथ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार यहाँ पर थ्रेड्स वगैरह हैं। यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी और ये पूरा एक इन्होंने जो बीच में यू नो लगा दिया एक स्ट्राइप सा, वो भी काफ़ी सही लग रहा है। एंड अगेन ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यार, और मुझे ना इसको तो ये हो गया। इस साइड पे आप आओगे तो यार आपको देखो वही पावर बटन और यू नो ये जो स्लाइडर है ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको गोल्ड की फिनिश देखने को मिलेगी। सेम ऐसे नीचे भी आप जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर गोल्ड की फिनिश देखने को मिल रही है। तो बेसिकली ऐसा है कि जो फ्रेम है वो गोल्डन कलर की है और ऊपर भी, और पीछे वाले साइड पर आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर मिलेगा, बीच में ये ब्लैक है और आगे ये मतलब चिन वगैरह जो ब्लैक है, तो स्टैंडर्ड ये ऐसी रहती है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप UI भी जैसा देखोगे तो यार देखो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की यू नो आइकन्स देखने को मिलेगी, ब्लैक थीम है वाइट, तो इन्होंने मतलब जो मैकलरन वाला मतलब आई मीन जो फील जो पीछे डिज़ाइन को दिया है सेम वही स्टाइल इन्होंने यहाँ पर भी फॉलो करी है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो यार ये देखो मतलब आई मीन यू नो ये ऐसी कुछ बीटा प्रोग्राम है इसका यार, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन ओएस कंट्रीब्यूशन तो ये था, बाकी आप स्पेक्स वगैरह अगर आपको एक बार देखने हैं तो ये सेम 1+70 Pro वाली है, 855+ आपको इसमें मिल रहा है, 128 GB स्टोरेज है, 256 GB वाला भी वेरियंट होगा, कैमरा है 48, 16, 8 ट्रिपल कैमरा है, 90Hz वाला फ्लूड एमोलेड 6.67 इंच डिस्प्ले है और एंड्रॉयड 10 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यस ये है यू नो अभी इंडिया में कब आएगा, इसकी प्राइस कितनी रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फ़ोन दिखने में बहुत शानदार है। और आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे बताओ, और आप अगर ये फ़ोन इंडिया में आएगा तो आप इसे लोगे या नहीं लोगे। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।